आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सपोज यू ड्रॉ ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। क्वेश्चन है कि एक डाई को इस रेक्टेंगुलर रीजन में, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन दिया है, ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है आपके सामने, हम इसको ए बी सी और डी लिख लेते हैं। इस रीजन में एक डाई को ड्रॉप किया, यानी कि इस पर रखा गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर वो डाई गिरेगी, इट विल लैंड, इसके अंदर आएगी, और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है, कितना है, 1 मीटर है। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन हमें दिया गया है, ये इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थ्री मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 2 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दी है तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास आ गया 3 मीटर इंटू 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीटर। अब ये जो डाई है ये कहां ड्रॉप करती है, कहां लैंड करती है, ये इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर, और ये इस रेक्टेंगुलर रीजन में, इसके अंदर जो सर्कल है जिसका डायमीटर 1 मीटर है उसके अंदर ये ड्रॉप कर रही है। तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 1 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल, डायमीटर का आधा होता है 1/2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो पाई इंटू आर कितना है, 1/2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया पाई, विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर ये सर्कल के अंदर ड्रॉप करेगी, तो प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल
which is equal to area of circle upon area of rectangle, which is equal to area of circle क्या है, pi upon 4 upon area of rectangle क्या है 6, which is equal to, तो 6 upon 1 हो जाएगा, pi upon 4 into 1 upon 6 which is equal to pi upon 24. तो pi upon 24 होगी प्रोबेबिलिटी कि डाई जो है ये सर्कल के अंदर आएगी. प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 अपॉन 6. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई अपॉन 4 अपॉन 6 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 6 एंड विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 24. ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 वॉल पेंस ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good. What will not buy if it is defective? The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? And second part is she will not buy it. So question kya hai? कि एक लॉट है जिसमें टोटल पेन जो हैं वो बॉल पेन जो हैं वो 144 है और उन 144 पेन्स में से 20 पेन जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, बाकी जो हैं रिमेनिंग जो हैं वो गुड हैं. नूरी विल बाय ए पेन, नूरी एक पेन खरीदती है लेकिन कौन सा, इफ इट इज गुड, गुड है तो वो खरीदेगी, अगर वो गुड नहीं है डिफेक्टिव है तो नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी. नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, अगर पेन ठीक होगा खराब नहीं होगा तो नूरी उसको बाई करेगी खरीदेगी, और अगर खराब होगा डिफेक्टिव होगा तो नूरी जो है वो उस पेन को नहीं खरीदेगी. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. शॉपकीपर ने एक पेन एट रैंडम निकाला और उसको दे दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी ने वो पेन खरीद लिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि नूरी ने अगर वो पेन खरीद लिया तो वो पेन गुड था. तो दूसरे इन अदर वर्ड्स द पेन इज गुड एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन. सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट शी विल नॉट बाई इट, कि वो उसको नहीं खरीदती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पेन डिफेक्टिव है, वो ठीक पेन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड. नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड, वट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव. अगर पेन जो है वो गुड होगा तो नूरी उस पेन को खरीदेगी, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी. तो हम अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन करते हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉल पेंस कितने, 144 ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव. नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेंस ट्वेंटी, तो देयरफॉर नंबर ऑफ
non-defective, that is good band. ठीक कितने होंगे? 144 minus 20, that is equal to 124. अब आगे क्या कहता है? नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड, व्हाट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव. नूरी विल बाय ए पेन इफ इट इज गुड एंड she will not buy if it is not good. Since one pen is drawn at random, since one pen is drawn at random by the shopkeeper, and given to Nuri, and she buys it. First part क्या है? And she buys the pen. It means that the pen is good. Let A is the rent getting good pen. Therefore, total good pen कितने हैं? 124. Total pens equal to 144. Therefore, probability of getting a good pen equal to number of good pens over total pens. तो ये आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ गुड पेंस कितने हैं? 124 अपॉन 144. तो ये हमारे पास आ गया. टू के साथ करेंगे हम पहले. टू इंटू 62 एंड 2 इंटू 72, ये 2 कैंसिल. फिर चलेगा 2 इंटू 31 ओवर 2 इंटू 36, 2 कैंसिल. तो हमारे पास आ गया 31/36. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ
buying a good pen that Nuri will bite is 31/36. Therefore, probability that Nuri buys the pen equal to 31/36. What second? That she will not buy the pen, that she will not buy it. So total number of ball pens 144, number of defective pens 20, number of good pens 144 minus 20, 124. Nuri will buy a pen if it is good, and she will not buy it if it is not good. Since one pen is drawn at random by the shopkeeper and given to Nuri, and she will not buy it. पहले केस में क्या था कि वो उसको खरीद लेती है, she buys it. और अब second केस में क्या है, she will not buy it. तो probability that she will not buy it is equal to 1 minus probability that she buys it, that is equal to 1 होगी total probability minus 31/36. That is 36 minus 31, which is equal to 5/36. तो probability कि वो उस pen को नहीं खरीदेगी वो कितनी हो गई, 5/36. तो एक हम ये इस method से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हम उससे भी निकाल सकते हैं कि पेन जो है वो डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, अगर वो नहीं खरीदेगी तो पेन ख़राब है. तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 20 हैं, तो 20/144, तो उसको कैंसिल करेंगे तो तब भी हमारे पास 5/36.